वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है रविवार और हर रविवार की तरह आज हम लोग देखेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर की टेस्ट वीडियो नंबर 28। इससे पहले 27 वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको साप्ताहिक करंट अफेयर की टेस्ट वीडियो एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि हर बार आपको 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इन सभी 15 क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके इसमें कितने सही हुए। तो आप पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर हमारी वीडियोज़ को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में ही मिलेंगे। अभी आपको केवल क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके आपको आंसर बताने हैं, ठीक है। और आप अपनी तरफ से इन सभी आंसर को अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको इनके आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रेलवे ने किस प्रकार की रेल लाइन पर मानव रहित क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए ब्रॉड गेज, ऑप्शन बी मीटर गेज, ऑप्शन सी नैरो गेज, या फिर इन तीनों प्रकार से। तो देखिए जो दुर्घटनाएं हैं वो मानव रहित क्रॉसिंग पर सबसे अधिक होती हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रेन के आने पर किसी भी तरह से वहाँ पर कोई सिक्योरिटी का प्रावधान नहीं है, इसकी वजह से इस तरह की जो लेन है उन पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया। वो तो कौन सी लेन है यहाँ पर वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, रेलवे में भारतीय रेलवे में तीन प्रकार की लेन है जिनकी नेम है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो आपको इसमें से एक आंसर बताना होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाल ही में 281 एंड बियॉन्ड बीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए ये जो बुक है, क्योंकि बुक्स जो एग्ज़ाम में बहुत ही अधिक पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, और वैसे भी इस वीडियो में जो डेली करंट अफेयर की वीडियो के अलावा जो वीकली करंट अफेयर की वीडियो होती है इनमें जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट करके दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए आर कौशिक, ऑप्शन बी के रहीम, ऑप्शन सी मुकेश दुबे, ऑप्शन डी के सिन्हा। तो इनमें से जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है वो वीवीएस लक्ष्मण के बारे में लिखी गई है और जो राइटर ने लिखी है वो आपको बताना है। तो देखिए वीवीएस लक्ष्मण ने अपने क्रिकेट करियर में एक पारी खेली थी 281 रन की, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्होंने ईडन गार्डन में खेली थी, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली और उन्हीं के ऊपर ये बुक भी लिखी गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वीवीएस लक्ष्मण को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और उनको भारत का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म पुरस्कार भी उनको मिल चुका है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 2 नवंबर, ऑप्शन बी 3 नवंबर, ऑप्शन सी 4 नवंबर, ऑप्शन डी 5 नवंबर। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। यहाँ पर मैं आपको हिंट देना चाहूँगा कि जो आयुर्वेद दिवस होता है वो हर वर्ष धन्वंतरी जयंती, यानी कि एक तरह से कह सकती है धनतेरस पर ये दिवस मनाया जाता है। तो वो आपको बताना है कि किस तिथि को ये मनाया गया, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किसने किया। यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए मनोज तिवारी, ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, या फिर शीला दीक्षित। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है वो किसने किया है यह आपको बताना है। या हिंट के रूप में मैं आपको बता दूं, ये जो सिग्नेचर ब्रिज है वो 675 मीटर लंबा है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 675 मीटर है, ठीक है। और इसकी अगर लागत की बात करें तो 1,518.37 करोड़ रुपये की इसमें लागत लगी है और इस पुल का निर्माण दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम की तरफ से किया गया। और ये पुल जो बना है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो दिल्ली के उत्तर पूर्वी और उत्तरी हिस्सों के बीच यात्रा के समय को और यातायात की भीड़ को कम करना इसका लक्ष्य रखा गया है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसका उद्घाटन किसने किया है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर को किस देश की क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि सौरभ नेत्रवलकर को किस देश की क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुभवी पत्रकार को हाल ही में राजा राम मोहन राय पुरस्कार के लिए चुना गया है? ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइकल हसी, ऑप्शन बी राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी के शर्मा, ऑप्शन डी एन राम। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो पुरस्कार है वो राजा राम मोहन राय की स्मृति में दिया जाता है, जो कि भारत के बहुत ही बड़े समाज सुधारक रहे हैं। उनकी अगर हम बात करें तो उनकी जन्मभूमि बंगाल में है और उनका जन्म 22 मई सन 1772 में हुआ था, जबकि उनका जो निधन हुआ था वो भारत में नहीं हुआ था, उनका निधन इंग्लैंड में हुआ था 27 सितंबर 1833 को। ठीक है, तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो मुक्केबाजी खेल है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इसकी एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, तो उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनदीप, ऑप्शन बी गुफुर राखीमोव, ऑप्शन सी थॉमस बाच, ऑप्शन डी सिरिक कोना कबायब। ठीक है, तो इसमें से जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, AIBA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका है स्विट्जरलैंड देश में। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यानी कि 2020 क्रिकेट की यहाँ पर केवल और केवल बात की गई है, तो भारत की ओर से सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको एक ही हिंट दे सकता हूँ कि जिस खिलाड़ी ने ये सबसे अधिक रन बनाए उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल 3 ऑप्शन ही आपके सामने बचे हुए हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की मंजूरी प्रदान कर दी है? यानी कि एक ऐसा राज्य जिसका अभी एक और राज्य के साथ एक संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अब उसके लिए पृथक रूप से उच्च न्यायालय बनाने की घोषणा की है, तो वो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दमन और दीव, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो देखिए, दूर संचार संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, उसकी परिषद के अध्यक्ष रूप में किस देश को चुना गया है वो आपको बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। तो इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो आपका ये जो भी राइट आंसर होगा वो आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो आपका 10th क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसने हाल ही में घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या होगा? यानी कि जो फैजाबाद जिला है वो आप अयोध्या जिले के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप सोशल मीडिया से भी जुड़े होंगे या फिर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप इसका आंसर ईजिली बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के द्वारा लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? ठीक है, तो यानी उनका जो कार्यकाल है वो जितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है वो आपको बताना है, क्योंकि अभी हाल ही में उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया था, इसकी वजह से उनका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है। तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना होगा। ठीक है, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश WTA में संरक्षण शुल्क विवाद में जापान से हार गया है? यानी कि जापान के साथ एक विवाद चल रहा था, अब उस विवाद का जो निर्णय है वो आ चुका है, तो उस निर्णय में बताया गया है कि जापान की इसमें जीत हुई है, लेकिन हार कौन से देश की हुई है वो आपको बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। ठीक है, तो आपको 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया, यानी जनजातीय विश्वविद्यालय होगा ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आपको आना ही चाहिए। यहाँ पर चार ऑप्शन भी हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे हो। वैसे भी अगर आपने रेगुलर करंट अफेयर की जो डेली वीडियो आती हैं उनको अगर आपने देखा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे सकते हो। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप बताइए। आप उम्मीद करते हैं इन सभी 15 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया होगा और अब समय आ गया है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को चेक करने का। तो चलिए देखते हैं, जो भी आंसर है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप इन सभी आंसर को अपने आंसर से मैच कीजिए। तो मैं आपकी सुविधा के लिए बता देता हूँ यहाँ पर इन सभी आंसर को। पहले का ऑप्शन ए है ब्रांड ब्रॉडगेज, ठीक है, दूसरे का ए है आर कौशिक, तीसरे का डी है 5 नवंबर, चौथे का बी है अरविंद केजरीवाल, पांचवें का ए है अमेरिका, छठवें का डी है एन राम, सातवें का बी है गफूर राखी मोर, आठवें का ए है रोहित शर्मा, नौवें का बी है आंध्र प्रदेश, दसवें का डी है भारत, ग्यारहवें का सी है योगी आदित्यनाथ, बारहवें का ए है एक वर्ष, तेरहवें का डी है भारत, चौदहवें का बी है आंध्र प्रदेश और 15वें का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उम्मीद करते हैं इन सभी आंसर को आपने अपने आंसर से जरूर मिलाया है। और अब वीडियो के लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपके इसमें से कितने सही हुए। तो आप कमेंट जरूर कीजिए कितने सही हुए, और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक दी गई है, तो उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।